नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार टॉप 10। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी नाम वापस लेकर भाजपा में शामिल अक्षय बम पर 17 साल पुराने केस में 3 दिन पहले जुड़ी थी धारा 307। प्रेम प्रसंग में सुसाइड करने के पहले का वीडियो, युवक ने कहा अम्मी पापा माफ कर देना, बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। मालवा निमाड़ के लोकसभा कैंडिडेट्स का फैसला आज, अंतिम चरण के प्रत्याशियों की नाम वापसी दोपहर 3 बजे तक, 11 प्रत्याशियों के फॉर्म हुए थे रिजेक्ट। मध्य प्रदेश के देपालपुर में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता की हत्या के बाद भारी हंगामा, आरोपित कामरान हिरासत में, प्रशासन ने तोड़ी दुकान। इंदौर में 74 साल में पहली बार कांग्रेस मैदान में नहीं, इंदौर में 17 बार लोकसभा चुनाव हुए हैं, अब तक के चुनाव में यह पहली बार है जब कांग्रेस लोकसभा चुनाव में मैदान में नहीं है। लोकसभा चुनाव का घमासान जारी, पूर्व सीएम कमलनाथ ने भाजपा को गिनाए कांग्रेस द्वारा 75 साल में किए गए काम। सूरत के बाद अब मध्य प्रदेश की इन दो सीटों पर कांग्रेस का पत्ता साफ, जानिए क्यों खुश हो रहे हैं भाजपाई। मध्य प्रदेश में चुनावी शोर में गायब हुए ये बड़े मुद्दे, इनकी सड़क से विधानसभा तक रही गूंज। लोकल ट्रेन का एक डिब्बा CSMT पर बेपटरी हुआ, सभी यात्री सुरक्षित, हार्बर लाइन पर सेवाएं ठप। गोवा हवाई अड्डे पर बम होने की मिली धमकी, बढ़ाई गई सुरक्षा, ईमेल के जरिए आया मैसेज। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार।